हेलो नमस्कार, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैंने बना रहा हूँ मैं आज, और इसको आप लास्ट तक देखें तो निसंदेह रूप से प्रतियोगी छात्रों को इससे फायदा होगा। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो भारतीय इतिहास में वैसे तो युद्ध बहुत सारे लड़े गए, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी उनसे क्वेश्चन आपके जो है वो आते हैं। चलिए हम चलते हैं। पहला युद्ध हमारा है आपका कलिंग का युद्ध। तो कलिंग आपका एक स्थान है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो कलिंग आपका जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये आपका युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखिएगा, 261 ईस्वी नहीं है ये, 261 ईसा पूर्व। और इस युद्ध में अशोक द्वारा जो है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और कलिंग के राजा खारवेल, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग के राजा कौन थे जो पराजित हुए थे, तो वो थे आपके खारवेल। तो खारवेल पर जो है वो विजय प्राप्त की और इस युद्ध के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। जैसे कि इस युद्ध के बाद जो है वो, इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख लोग जो है वो युद्ध में मारे गए थे। तो एक प्रकार से व्यापक हिंसा हुई थी इस युद्ध में। तो अशोक जैसे जो निर्दयी, अशोक को पहले इस युद्ध के पहले एक निर्दयी शासक माना जाता था और किंवदंती में ऐसा कहा भी गया है कि अपने 99 भाइयों को मार करके अशोक जो है वो गद्दी पर बैठा था। तो इस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है कि एक अशोक को उसने जो है वो एक अहिंसावादी शासक बना दिया। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मौर्य समाज, क्योंकि अशोक जो है मौर्य वंश का था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण जो है वो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक द्वारा जो है वो हिंसा से दूर हो जाना भी था। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है आपका तराइन का युद्ध। तो ये भी आपके दो युद्ध हुए तराइन के, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो तराइन आपका जो स्थान है आपका, ये पूछा गया एग्जाम में, तो तराइन आपका जो है वो हरियाणा में स्थान है ये, जहां पर दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। तो हम बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की। तो इसका सन आपका है 1191 में, 1191 में लड़ा गया और इसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो मोहम्मद गोरी को जो है वो बुरी तरह से पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन यहाँ पे इतिहासकार ये मानते हैं कि केवल पराजित करने के बाद ही छोड़ देना जो है वो पृथ्वीराज चौहान की एक महान भूल थी। परिणाम स्वरूप जो है वो द्वितीय बार बड़ी तैयारी से जो है वो मोहम्मद गोरी ने फिर जो है पृथ्वीराज चौहान को हल्दी घाटी वो तराइन नामक स्थान पर जो है वो फिर चुनौती दी। और इस युद्ध में जो है वो आपका मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा। यहाँ पे इतिहासकार कुछ का मत है ये कि पृथ्वीराज चौहान की इसमें कुछ गलतियां थी, जैसे कि प्रथम युद्ध के जीत के बाद जो है वो एक प्रकार से लापरवाह टाइप का हो जाना, ये गलती थी। और दूसरी गलती ये थी कि जो पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी, सहयोगिता, जो जयचंद्र की रिलेशन में थी, तो उसका हरण करके जो है वो एक प्रकार से अन्य निकटवर्ती राजपूत वंशों को जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने जो है अपने एक प्रकार से शत्रु बना लिया था। और यही कारण था कि जयचंद्र द्वारा जो है वो मोहम्मद गोरी की जो है वो मदद भी की गई थी। तो इस युद्ध में का परिणाम से फलस्वरूप जो है भारत में जो है मुस्लिम शासन की जो है वो शुरुआत मानी जा सकती है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि मुस्लिम शासन की शुरुआत जो है वो आपके तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में लड़ा गया के द्वारा हुई। चलिए अगला चलते हैं हम पानीपत का युद्ध। तो ये युद्ध आपके एग्जाम में आए हैं। पानीपत के आपके तीन युद्ध हुए हैं, आज हम आपको तीनों युद्धों के बारे में बता रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, केवल वही चीज बताएंगे जो एग्जाम में आपके आती है। तो पानीपत आपका जो है वो, पानीपत स्थान आपका कहाँ पे है ये एग्जाम में पूछा गया है। तो पानीपत स्थान जो है आपका हरियाणा में है निसंदेह रूप से।
अब आपसे ये क्वेश्चन आएगा बन जाएगा हरियाणा में और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में और इसमें जो है वो बाबर ने जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से पराजित किया था। और इस युद्ध के बारे में कुछ खास चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि बाबर द्वारा जो है भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया और वो आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और भारत में जो है वो एक मुस्लिम वंश मुगल वंश की जो है वो स्थापना हुई जो काफी लंबे समय तक चला। और यहाँ पे हम कुछ और बताना चाहेंगे, एक एग्जाम में आपकी और आती है कि बाबर को जो है वो इस युद्ध के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो बाबर को इस युद्ध के लिए जो है वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार ही था और राणा सांगा इन दोनों ने आमंत्रित किया था कि आइए, इस समय इब्राहिम लोधी की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो लेकिन इस युद्ध में जो है वो अगर हम देखें तुलना की सेना की तुलना करें तो इब्राहिम लोधी के पास जो है वो काफी बड़ी सेना थी लेकिन बाबर के पास जो है सेना सीमित थी। तो इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य दो कारण आप देखते हैं, एक तो आपका बाबर के पास जो है तोप का प्रयोग, जो बाबर ने पहली बार युद्ध में तोप का प्रयोग किया और दूसरा जो है बाबर ने जो है वो इसमें एक युद्ध पद्धति अपनाई वो है तुनुगमा युद्ध पद्धति अपनाई। ये युद्ध पद्धति क्या है, तो इस पद्धति में क्या होता है कि सेना को जो है वो कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाता है और दाएं बाएं सेना जो है वो आगे की ओर रहती है, बीच में जो टुकड़ी जो है वो पीछे की ओर रहती है और इसमें जो है मुख्य नीति क्या अपनाई जाती है कि कुछ टुकड़ियां अचानक जो है वो बड़े तेजी से जो है वो हमला करती हैं। तो ये भी एक बाबर की सफलता का कारण बना आपका ये। चलिए हम अगला चलते हैं, तो अगला हमारा है खानगा का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है इसलिए हमने इसको बताना चाहेंगे आपको। तो खानवा आपका जो है वो कहां पर है, तो कुछ नहीं बनता आपसे, तो खानवा जो है आपका जो है वो राजस्थान में है, तो इसको हम कैसे याद रखें, खानवा राजस्थान में है। तो थोड़ी देर के हम रख दें ऊंट, राजस्थान में ऊंट प्रसिद्ध है, तो ऊंट क्या करते हैं बहुत सारा पानी भी पीते हैं और बहुत सारा खाते भी हैं, तो ऊंट बहुत सारा खाते हैं, तो खाते से आप क्या बना लें, खानवा बना लें। और कौन खाते हैं, ऊंट खाते हैं और ऊंट कहां रहते हैं आपके, राजस्थान में रहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं खानवा जो आपका राजस्थान में है। और ये युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जनरली हमको याद रहता है 1526, तो उसके जस्ट एक वर्ष बाद, तो 1527 में हुआ और इसमें जो है वो बाबर ने राणा सांगा को जो है वो पराजित किया था। और इस युद्ध में बाबर ने जो है वो किसको पराजित किया था, राणा सांगा को पराजित किया था। और एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि बाबर ने जो है वो किस युद्ध में जिहाद माने होता है कि धर्म युद्ध, तो जिहाद का नारा दिया था, तो बाबर ने जो है वो इसी युद्ध में, इसमें खानवा के युद्ध में जो है वो जिहाद का नारा दिया था। चलिए हम अगला चलते हैं, अगला हमारा कन्नौज का युद्ध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कन्नौज आपके आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, और ये युद्ध आपका जो है वो 1540 में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था 1540 में। और इस युद्ध में जो है वो शेर शाह सूरी जो एक अफगानी था उसने जो है वो मुगल शासक जो है वो हुमायूं को जो है वो पराजित किया था। तो एक प्रकार से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है वो भारत में मुगल सत्ता जो है वो लगभग 15 वर्ष के लिए जो है वो समाप्त हो गई थी और हुमायूं को जो है वो दर बदर जो है वो घूमना पड़ा था, भागता हुमायूं जो है कई स्थानों पर घूमता रहा, तो उसे एक दुर्भाग्यशाली शासक भी कहा कि वो जिन एक इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि हुमायूं इतना दुर्भाग्यशाली था कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और आखिर लड़खड़ाते हुए उसकी जो है वो मृत्यु हुई। तो हुमायूं की मृत्यु जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, तो इसी संदर्भ में ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए हम अगला युद्ध देखते हैं, अगला युद्ध आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत तो बता दिया हमने, पानीपत कहां पे आपका, हरियाणा में है पानीपत, यहां पे पानी होगा वहां पे हरा हरा होगा, पानी मतलब हरियाली, तो उससे आप याद रख ले हरियाणा,
और इस यही हुआ था आपका 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1526 और 1556, तो इस युद्ध में कितने वर्ष का अपना 30 वर्ष का अंतर दिख रहा है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में और पानीपत युद्ध में जो 30 वर्ष का अंतर, इस माध्यम से आप जो है इसका सन भी याद कर सकते हैं। और इस युद्ध में जो है वो अकबर ने जो है वो हेमू की विशाल सेना को पराजित किया। और इसमें आपका जो ये युद्ध है कौन सा है? पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इसमें इतिहासकार लिखते हैं कि हेमू की हार का एक मुख्य कारण ये था कि युद्ध के दौरान जो है वो एक तीर उसकी आंख में लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप हेमू जो है वो बेहोश हो गया। और चूंकि हेमू जो है वो हाथी पर सवार था, तो हाथी की होंद पर, जो हाथी के ऊपर रखा जाता है, तो उस होंद को सैनिकों ने समझ लिया कि ये तो खाली है, राजा कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया राजा। तो एक प्रकार से सैनिकों में जो है निराशा की भावना आ गई और हेमू को जो है वो आपका अकबर से जो है वो पराजित होना पड़ा। तो ये आपका जो है पानीपत का दूसरा युद्ध था। चलिए हम अगले चलते हैं। अगला हमारा है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी आपका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हल्दी घाटी जो स्थान है आपका कहाँ पे? राजस्थान में है। हल्दी घाटी जो है राजस्थान में है। और हल्दी घाटी वस्तुतः जो है वो एक दर्रा है और इस यहाँ की मिट्टी जो है वो पीले रंग की है, तो इसी कारण संभवतः इसका नाम जो है वो हल्दी घाटी पड़ गया। और इस युद्ध का सन आप याद रखिए 1576 में, 1576 में हुआ। ये सब पूछा गया एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया आपका ये। और यहाँ पर अकबर ने जो है वो महाराणा प्रताप को जो है वो पराजित किया। अकबर ने किसको पराजित किया? महाराणा प्रताप को पराजित किया। और यहाँ पर आपके जो सेनापति थे, मुगल सेना जो सेनापति थे, वो थे आपके आमेर के राजा मानसिंह। तो इस युद्ध को जीतने में सेनापति मानसिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला हमारा है बाड़ीवास का युद्ध। तो ये आपका 1760 में, और ये आपका मुख्य रूप से दो पार्टियों में लड़ा गया, वो थे आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी। जैसा कि हमको मालूम है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही कंपनी बना करके भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और इसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम स्वरूप जो है वो बाड़ीवास का 1760 में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है विजय रहे फ्रांसीसियों को पराजित होकर के, और लगभग भारत जो है वो छोड़ना पड़ा। चलिए अगला चलते हैं हम। अगला आपका प्लासी का युद्ध। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, कई एग्जामों में आपका जो है वो पूछा गया है आपका। तो प्लासी आपका जो स्थान है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है ये। तो ये युद्ध हुआ था आपका 1757 में। इस युद्ध को आप कैसे याद रखें? 1857 का आपको याद होगा, 1857 में आपका जो है वो प्रथम क्रांति हुई थी, तो उसी के 100 वर्ष बाद माने 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और इसमें जो है वो किसके बीच में हुआ था ये पूछा गया एग्जाम में, तो एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ जो है सिराज दौला थे, लेकिन इसमें युद्ध में जो है अंग्रेजों को जो है वो सफलता प्राप्त हुई। और ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध के विजय के बाद जो है वो भारत में अंग्रेजी दासता की जो है वो शुरुआत हो गई, भारत में अंग्रेजी दासता की जो है वो इस युद्ध से शुरुआत हो गई, इस युद्ध से आपका बाड़ीवास वो सॉरी प्लासी युद्ध से। और अगला युद्ध देखते हैं हम, फिर आगे आपका पानीपत का। तो हमने बताया था शुरू में ही कि पानीपत के तीन युद्ध हुए, सदस्य पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध आपका 1761 में। तो ये आपके अफगानी था आपका अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था और मराठा के बीच में होगा। और इसमें युद्ध में के परिणाम स्वरूप जो है वो मराठाओं की बुरी तरह से पराजय हुई इस युद्ध में। और ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध के बाद भारत में जो है वो लगभग मराठा शक्ति का जो है वो अंतसा हो गया। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला युद्ध हमारा बक्सर का युद्ध। ये हमारे टॉपिक का अंतिम युद्ध है। ये आपका हुआ था 1764 में।
1764 में बक्सर का युद्ध। तो बक्सर आपका जो है वो बिहार में है, बिहार का एक स्थान है बक्सर। ये पूछा जाता रहा है बक्सर कहाँ पे है, तो बक्सर आपका जो है बासे बक्सर बासे बिहार, इस तरह याद कर सकते हैं बासे बक्सर बासे बिहार। और युद्ध कब हुआ 1764 में, और इस युद्ध में जो है वो एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ जो है वो तीन लोगों की सेना, मुगल भी थे, अवध मुगल शासक, अवध के नवाब और बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है वो संयुक्त सेना अंग्रेजों से जो है वो पराजित हो गई थी। और इस युद्ध के बाद जो है वो अंग्रेजों का जो है वो संपूर्ण रूप से प्रभुत्व जो है भारत में स्थापित हो गया। ये क्वेश्चन आपके कई जगह पूछा गया है, किस युद्ध के बाद जो है वो भारत में अंग्रेजी शासन का जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो गया, जड़ें स्थापित हो गई, वो आपका जो है वो बक्सर का युद्ध है। और किस युद्ध में जो है वो भारत में दासता की शुरुआत हुई, माने अंग्रेजों की जो है वो जीत हुई, एक बड़ी जीत हुई और उनकी जड़ें जो है वो स्थापित होने की कगार पे आ गई। तो वो आ गई आपके प्लासी युद्ध में और पूरी तरह से जड़ें आपकी स्थापित हो गई बक्सर के युद्ध में। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। काफ़ी मेहनत है, पंखे बंद हैं, है ना, पंखे बंद करके बनाना पड़ता है वीडियो, स्वाभाविक है गर्मी है, आज ही बना रहा हूँ तो पसीना भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। और इसको अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं कि आपके पास आते रहें, तो आप हमारे चैनल को जो है वो हमारे नहीं बल्कि अपने ही चैनल को है और इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। हाँ मैं बता दूं कि मैं कोई यूट्यूब नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मेरी तुलना जो है वो यूट्यूबर से ना की जाए, बल्कि मेरा तो उद्देश्य है कि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि यूट्यूबर ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको परीक्षाओं का ज़्यादा अनुभव होता नहीं है, तो वो किसी फैक्ट को उठा करके बहुत ज़्यादा बता देते हैं, तो इससे हमारे अंदर जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो हम केवल आपको चैनल मैटर ही बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो उसको आप देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।